हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी अपने डिवाइस के अंदर प्ले प्रोटेक्ट के अंदर जाने के बाद यूअर डिवाइस एट रिस्क बता रहा है? जब भी हम प्ले प्रोटेक्ट को चेक करते हैं, प्ले स्टोर में आते हैं, तो यूअर डिवाइस एट रिस्क आ रहा है, तो इसको आप रिमूव कैसे करोगे? आप देख सकते हैं मेरे में ये भी इशू आ रही थी, तो हमने इसको रिमूव कैसे किया है? अब यहाँ पर नो हार्मफुल ऐप फाउंड लिखा भी आ रहा है। तो गाइस, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ये प्रॉब्लम आपको साथ आ रही है तो इसको ठीक करने का प्रोसेस भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली प्ले प्रोटेक्ट कैसे काम करता है वो थोड़े से मैं आपको नॉलेज बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो प्ले प्रोटेक्ट का सीधा सा मतलब है आपके डिवाइस को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके डिवाइस में कोई भी गलत चीज़ हो रही है, कोई एप्लीकेशन है जो कि गलत है, जिसमें कोई सिक्योरिटी की इशू है, जो आपके फ़ोन को आने वाले टाइम में कोई हार्मफुल चीज़ें, डेटा आपका लीक वगैरह हो सकता है, तो वो यहाँ पे पकड़ा जाता है। प्ले प्रोटेक्ट से वो ऐप नहीं बच सकता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे मैं स्कैन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये स्कैन होगा। अगर मेरे फ़ोन में कोई ऐसी ऐप आती है जिसको मैंने प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी जो है इंस्टॉल किया है, किसी और के फ़ोन से लिया है, चाहे प्ले स्टोर के अलावा कहीं से लिया है, तो वो यहाँ पर पकड़ा जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि विदाउट प्ले स्टोर वाला पकड़ा ही जाए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम कई दूसरी तरीके से अगर इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में तो भी वो चल जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये इरर आ रही तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वन ऐप फाउंड इरर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे फाउंड हो जाती है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका इस टाइप का ऐप जो है फाउंड हो चुका है। तो आपको बस इस ऐप को देख लेना है कौन से ऐप के ऊपर ये प्रॉब्लम है और उसको सीधे से अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। बेसिकली हो सके तो अपने फ़ोन में जितने हो सके उतने ज़्यादा प्ले स्टोर और एप्लीकेशन ही यूज़ कीजिए। एक आधा अगर आप बाहर का वाला यूज़ करते हैं तो भी उसके भी आप जो है सिक्योरिटी को अपने ध्यान में रखते हुए उसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप जो है जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे फाउंड हो जाता है और एप्लीकेशन की यहाँ पे एरर आती है रेड कलर करके, तो उसको आपको अपने फ़ोन से उस ऐप को हटा देना है। बस सिंपल तरीके से उस ऐप को यहाँ पे आप हटा दीजिए, अनइंस्टॉल का यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है अनवांटेड एप्लीकेशन, जो आपने प्ले स्टोर के बाहर से एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, बस उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।